प्रेजेंट में आप देखो कि अगर 3500 मैंने पाला है, एक बच्चे पे अगर मैं 20 रुपये भी कमा रहा हूँ तो 70,000 रुपये तो सीधा कमा लिया और फिर 70,000 कमा लिया, 1,40,000। लेकिन ये तो ट्रायल था मेरा, अब अगली बार मैं 4,000 पालूंगा तो 80,000 और 80,000 1,60,000 लागत वही, समय वही, समय में रिस्क कम और प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। पहले मैं आया था एक फार्म से शुरू किया था, आज दो किया है, एक और बढ़ा के 3 करेंगे, 4 करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जितनी सैलरी मैं वहाँ कमाता आने वाले समय में, उससे कम समय में और अच्छा प्रॉफिट इसमें कमाना चाहें। सर क्या सैलरी वहाँ पे आपकी? अप्रॉक्सीमेटली मैं महीने का 2 से 2.5 लाख रुपये वहाँ कमाता पर मंथ का। पर मंथ। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग एडवाइज के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक अनुभवी फार्मर के पास आए हैं जिन्होंने लगभग काफ़ी दिनों से देसी पोल्ट्री फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा लॉट में ये पालन कर रहे हैं। अभी भी इनके पास लगभग 7,000 मुर्गियों का लॉट चल रहा है और इसको तैयार करके अच्छे दामों पे अच्छा प्रॉफिट कैसे गेन कर रहे हैं, इसको कितना साइज करके सेल कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, इसके पूरे विषय में बात करेंगे। उसके पहले बोलना चाहूँगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूनिक फार्मिंग एरियाज में। आप थोड़ा सा अपना नाम और इस जगह का पता बताइए सर। मेरा नाम कौशलेंद्र है और आप यहाँ पे हैं खड़े त्रिलोचन महादेव जौनपुर के पास। जौनपुर पूरा एड्रेस सर? जौनपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो लहंगपुर गांव है। ओके, आपके साथ सर आपको भी काफ़ी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हमारे चैनल पे आप नए हैं, थोड़ा सा आप अपना नाम और परिचय थोड़ा सा दें हमारे दर्शकों जी। पहले तो आपका स्वागत है और आपके दर्शकों का भी हमारे थैंक यू स्वागत है। ओके, मेरा नाम प्रिंस है जी और मैं बनारस से सोनाली चिक्स का और रेडी बर्ड का सारा डील करता हूँ, डील करते हैं। ओके सर, अभी बात के जाए आपने यहाँ पे आपका लगभग हम 3 फार्म यहाँ पे देख रहे हैं जो कि सोनाली बर्ड में ही आप पालन कर रहे हैं। अभी एक फार्म में आपका सोनाली बर्ड डाला गया है, आप कितने सालों से कर रहे हैं और कितने मुर्गियों का पालन अब कर रहे हैं सर सोनाली में? अभी हमारे पास 7,000 बच्चों का फार्मिंग कर रहे हैं और हम अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 साल हो गए मुझे ये काम करते हैं इस फार्मिंग लाइन में। फार्मिंग लाइन सर सोनाली में ही डील करते हैं आप? सिर्फ सोनाली का। ओके, आपका स्ट्रेटेजी क्या होता है कि आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं प्लस इनको मतलब अच्छे से मार्केटिंग भी आप कर पा रहे हैं? थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड में बात किया जाए, इसके पहले आप मतलब इसको कितना वेट करके सेल कर रहे हैं? इससे पहले मैं 1200 1250 1300 ग्राम पे बेचता था। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 4 महीना 4.5 महीना चला जाता था, लेकिन अब इस बार जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ये है कि 500-600 ग्राम में इसका हम सेल कर देंगे। 500-600 ग्राम में 500-600 ग्राम का बर्ड आएगा उसी समय इसको सेल कर देंगे। उससे दो बेनिफिट है हमारे पास। पहला बेनिफिट ये है कि बच्चा जितने दिन तक हम यहाँ रखते हैं उतनी बीमारी का खतरा होता है। एक तो पहले बच्चा जल्दी बेच देंगे, बीमारी का खतरा कम हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, और अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो प्रॉफिट मेरे हिसाब से उससे 10% ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। जो पहले हम 1200-1300 ग्राम पे बच्चा बेचते थे। okay. उसके कंपैरिजन में अगर हम 600 ग्राम पे बेचे तो प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली उससे 10% ज़्यादा है। तो सर डिटेल में समझाना चाहें हमारे व्यूवर्स को कैसे इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है? देखिए आप समझो ना, आप लेबर कॉस्ट निकालोगे, पहला चीज़ ये समझो लेबर कॉस्ट का आपको डिफरेंस आएगा, नए लॉट का डिफरेंस आता है, बीमारी कम लगती है, दवा कम लगता है। आप पुराना लॉट जैसे बढ़ाते जाओगे वैक्सीन का चेन बढ़ जाता है, दवाई का चेन बढ़ जाता है, बीमारी का खतरा हो जाता है, मौसम बदला। जैसे मान लीजिए आपने किसी गर्मी के मौसम में पाला और ठंडी आ गई तो बच्चा को सस्टेन कराने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम ज़्यादा पीरियड हम उसमें लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, 4 महीना, कभी कभी बच्चा नहीं बिका तो 5 महीना भी आपको रखना पड़ता है। और उसमें एक और समस्या आती थी कि मुर्गा बिक जाएगा जल्दी, मुर्गी फंसती थी। इसमें कोई समस्या नहीं है, गाड़ी आती है एक तरफ से लोडिंग होती है, और वो भी गाड़ी आती थी तो एक गाड़ी माल लेके जाता था, उसमें पीस कम जाता था, इसमें आधा फार्म खाली हो जाता है एक गाड़ी में। तो इसमें और आप जितना दिन सस्टेन करोगे उतना ज़्यादा दाना खिलाओगे, बच्चा बड़ा होगा। मान लीजिए छोटे बच्चे को मुझे रखना पड़ेगा 10 दिन अगर बेचने से रखना पड़े तो 5 बोरा 6 बोरा 10 बोरा 15 बोरा खाएगा, अगर बच्चा बड़ा है तो वो 20-25 बोरा खाएगा। जितना बड़ा होगा उतना ही दाना उठाएगा और उतना ग्रोथ कम ही होगा क्योंकि ये सोनाली है सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1.5 किलो से ज्यादा इनका वजन नहीं होता है। और आप देखो पहला 200 ग्राम ये धीरे बढ़ते हैं, 200 से 600 ग्राम ये बहुत तेज बढ़ते हैं और 600 ग्राम के बाद फिर इनका ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हमने वो बीच का पीरियड निकाला है जहाँ मैक्सिमम ग्रोथ हमको मिले, मेरी कॉस्टिंग कम है और बच्चा हम बेच। तो अभी बात कीजिए कि आप 500 से लेकर के 600 ग्राम करके इसको सेल कर रहे हैं, ये अपने फर्स्ट टाइम ही ये कर रहे हैं, इसके पहले भी आपने इस रेशियो में सेल किया? हमने किया नहीं है लेकिन हमारे मित्र लोग हैं उन लोगों ने किया है। ओके, और अभी तक जो प्रॉफिट हम लोग एवरेज प्रॉफिट एस्टिमेट करते हैं मार्केट अप एंड डाउन होने के बाद भी, ओके, तो पर चिक एक बच्चे पे 25 से 30 रुपए का प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं इस साइज में। इस साइज में
पर बच्चे हमारी कॉस्टिंग निकाले, पर चिक निकाल रहे हैं, इसमें किलो का कोई हिसाब नहीं बता रहा हूँ मैं, पर चिक ये कॉस्टिंग निकालते हैं। सर बात कीजिए कि 500 से लेकर के 600 ग्राम करने में क्या टाइम पीरियड लग जाता है सर? 2 महीने मैक्सिमम, 2 महीने टिल सेल, 2 महीने तक ये आपका फार्म खाली हो जाएगा मेरा। खाली हो जाएगा, हाँ जी। उसमें अगर बात कीजिए कि पर बर्ड लागत, आप लागत जोड़ लो ये आप समझ, जो भी लागत आती है 500 ग्राम आने में 72 रुपीज का खर्चा आता है, 72 रुपए का खर्चा आता है, 90-95-92 के आसपास, 90 के आसपास मिनिमम 90 का सेल है, मिनिमम 90 का सेल आपको मिलना ही मिलना है। ओके, तो अगर 500 ग्राम हम अगर 500 अगर 600 500 एवरेज भी लेकर के चला जाए तो 180 रुपये जोड़ा पड़ रहा है, आपने मिनिमम बताया minimum. तो इतना तो मिनिमम, ये तो बहुत कम रेट जा रहा है। हाँ जो अभी क्योंकि गिरा तो नॉर्मल मार्केट गिरा हुआ है, मार्केट में भी 180 रुपये जा रहा है, जा रहा है, मार्केट चढ़ेगा तो 5-10 रुपये ऊपर ही, उसमें भी हम 1820 रुपये प्रॉफिट बना रहे हैं अपना, आराम से बना। अगर मार्केट ही अप रहा, हम मतलब 200 रुपये के जी या 240 रुपये तक सोनाली जाता है केजी के हिसाब से, तो उस समय देखा जाए तो माना गया साहब, आपको मैं देखो सही बात बताऊं, अब सोनाली 240-250 कभी फार्मर के यहाँ से नहीं जाता, क्योंकि जितने बॉयलर के फार्मर थे 20-30% वो फार्मिंग में आ गए। तो सीधा सा पॉलिसी है, जितना डिमांड उतनी सप्लाई। अब माल ज़्यादा हो गया है, डिमांड कम है, तो रेट तो कहने के देखा जाए कि इसमें लोग आ रहे हैं अभी ज़्यादा करके, इसमें फ़ायदा है लोगों को जी, फ़ायदा है, बीमारी का खतरा कम है और अच्छा है काम करने में, ये मेहनत कम है। आप एक चीज़ और देखो ना, आप इसका फार्म देखोगे, अब ये बॉयलर होगा तो आपको इसको चलाना पड़ता है, चलाना पड़ता बच्चे को। अब हमारा बच्चा सुबह काम करके गया, अब शाम में घुसेगा, पानी साफ करेगा, फीडर में दाना होगा तो ठीक है, अदरवाइज जाके सोए। बच्चा हो या बड़ा हो उसको 10 दिन की मेहनत है, 10 दिन आपको मेहनत कर रहा है, 10 दिन के बाद ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस फार्म की अगर बात करें तो इस फार्म में अभी कितना मुर्गी का बच्चा है? और 3500 बच्चे हैं अभी मेरे, इसमें 3500 बच्चा है। हाँ जी, सोनाली का इसमें एक और बेनिफिट आपको बताऊं जी, जब बड़ा पालता था मैं इसमें तो मैं सिर्फ 2500 पालता था। ओके, इस फार्म में, इस फार्म में ओके, इस बार मैंने 3500 पाल के ट्रायल किया है, लेकिन जो मेरा एस्टिमेट है कि अगली बार मैं इसमें 4000 तक बच्चा पालूंगा। तो आप ऐसे नॉर्मली जोड़ो, 2500 पालता था, अगर मैं एक बच्चे पे 40 रुपये भी कमाता था तो आज मैं 4000 पाल रहा हूँ, एक बच्चे पे 18 रुपये भी अगर कमा रहा हूँ तो दो महीने में मैं जो प्रॉफिट 4 महीने में कमाता था, ये 2 महीने में निकाल, 2 महीने में ऐसे हो गया, और फिर अगला 2 महीने में पालूंगा तो प्रॉफिट डबल जी, पैसा इन्वेस्टमेंट कम ओके, और टाइम ड्यूरेशन कम, खतरा कम, खतरा कम ओके। अब आपका लेबर कॉस्ट भी कम लग रहा है, लेबर कॉस्ट तो वही हो गया ना, वही हो गया, लेबर तो वही है ना, ऐसा नहीं है हम लेबर हायर करते, एक लेबर है जो पूरा काम करता, पूरा काम करता है, तो वही सर, जो एक फार्म को चलाने में 4 महीने जहाँ पे समय लगता था उनका भी मतलब 4 महीने का आपको खर्चा देना पड़ता, वही आपको 2 लॉट हो गया। अब ये सोचो कि आप एक लॉट की जगह हम 2 लॉट पाल रहे हैं और प्रॉफिट उतना डबल, इसको बात कीजिए तो कितना टाइम डाले हुए हो गया और इनका अभी वेट कितना हो गया? अभी जो बर्ड है मेरा अप्रोक्सीमेटली 22-23 दिन का है और 200 ग्राम के आसपास आ रहा है, 200 ग्राम के आसपास एवरेज साइज का, 190-195 ऐसे आ रहा है। ओके, 200 ग्राम आप पकड़ लो, 200 ग्राम का 22-23 दिन डाले हुए हो गया। हाँ, 22-23 दिन का बच्चा है। ओके, अगर आपको बात की तो ये चूजा कितना रेट का पड़ा था आपको? चूजे का रेट हमको ध्यान उस समय लगभग 22-23 का, 22 रुपये। हम इससे पिछले 2 साल से इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। प्रिंस जी से ही आप लेकर के गाइडेंस, इनका फार्म इन्होंने बनवाया, इस लाइन में मुझे लाने वाले यही हैं। मैं लॉयर था पहले, ओके, मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की 8 साल, मुझे लाने वाले यही हैं। आप लॉयर हैं? हाँ, लॉयर था, थे, और मैं छोड़ के ये काम कर रहा हूँ, छोड़ करके ये काम कर रहे हैं। मैं कॉर्पोरेट लॉयर था, मैंने बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज के लिए काम किया। ओके ओके, सर एक बात बताना चाहेंगे आप, जब आप बड़ा करते थे तो आपका लागत इन प्रॉफिट क्या होता था जो आप एक केजी साइज प्लस करते थे, और अभी उसी फार्म में आप जब छोटा साइज कर रहे हैं यानी एकदम हाफ टाइम में, तो इसमें आपका लागत इन प्रॉफिट क्या आएगा? मैं आपको पूरी कैलकुलेशन जो छोटी मोटी मुझे याद है मैं बता दो, 2500 स्क्वायर फीट का फार्म है। ओके, मैं 2500 बच्चा डालता था इसमें, और जब 1100-1200 ग्राम करो तो 50 रुपये एवरेज हम पकड़ के चलते हैं कि एक बड़े मुर्गे पे 50 रुपये हमको बचता है, मुर्गा हो या मुर्गी, एवरेज में आपको बड़े साइज में, बड़े साइज में तो 50 के हिसाब से एक 2500 × 50 कितना होता है, 125,000 रुपये का मुझे टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होता था इस फार्म से। वो आपका एक फार्म से, एक फार्म से 2500 बर्ड पे 25, क्योंकि 2500 स्क्वायर फीट है तो 2500 ही बच्चा बड़ा हम पाल सकते। ओके ओके, टाइम पीरियड 4 महीने लगता था, 4 महीने, 4, 4.5, 5, आप 4 ही मत बोलियो, 5 तक भी जाता है, 5 तक भी जाता था, एकदम अगर बीच में बीमारी आ जाए, बीमारी आ गई, ग्रोथ कम हो गया जी, तो फिर गया वो 5 तक, 5, 5.5, या सेल नहीं मिला, मुर्गा बेच दिया मैंने, मुर्गी टिक गई। ओके,
तो ये इतना जाता है। अभी क्या प्रेजेंट में क्या टारगेट है सर? अब प्रेजेंट में आप देखो कि अगर 3500 मैंने पाला है, एक बच्चे पे अगर मैं 20 रुपये भी कमा रहा हूँ तो 70,000 रुपये तो सीधा कमा लिया, और फिर 70,000 कमा लिया, 1,40,000। लेकिन ये तो ट्रायल था मेरा, अब अगली बार मैं 4,000 पालूंगा तो 80,000 और 80,000 1,60,000। लागत वही, समय वही, समय में रिस्क कम और प्रॉफिट ज्यादा। प्रॉफिट ज्यादा क्या बात, जहाँ हम 1,25,000 कमाते थे 4 या 5 महीने तक, हम 4 महीने में 4.5 महीने ले लेते हैं, उसमें आराम से 1,60,000 तक 1,60,000 अपना आप बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, इससे ज्यादा बनेगा। हम ये बेयर मिनिमम लेके चल रहे हैं, मिनिमम इससे नीचे नहीं कमाएंगे। 180 रुपया केजी के हिसाब से लेकर चल रहे हैं तो हम केजी के हिसाब से लेंगे, इससे नीचे आप नहीं कमाएंगे, नीचे नहीं, ये आप कंफर्म मान लो, कंफर्म है। हाँ जी, आपने भी इतना सालों से किया हुआ है, अब तक आपका एक्सपीरियंस? हमने सब कैलकुलेट किया, सिर्फ मुर्गी रख के बड़ा करके बेचा उसको, सिर्फ मुर्गा रख के 1500 ग्राम करके बेचा, 1200 ग्राम पे बेचा, लेकिन जो सबसे फिजिबल अगर कोई चीज दिखी अभी तक वो यही दिख रही है। ओके सर, ये बताना चाहें हमें कि आप अभी जो अपने चूजों को कौन सा दाना दे रहे हैं और कितना? हम गोदरेज का कॉयलर देते हैं, गोदरेज का कॉयलर दे रहे हैं अभी। हाँ जी, स्टार्टर जिसको बोला जाता है। हाँ, स्टार्टर कॉयलर का स्टार्टर, मैं शुरू से, बहुत लोग बोलते हैं प्री स्टार्टर देना चाहिए, मैं शुरू के एक दिन सूजी खिलाता हूँ जिस दिन बच्चा आता है, उसके बाद मैं कॉयलर शुरू करता हूँ और आखिरी भी उसमें करता हूँ। जितना आप प्री स्टार्टर खिलाते हो, बाद में जाके ग्रोवर खिलाते हो जी, लेकिन मैं कंसिस्टेंट खिलाता हूँ, एक ही दाना खिलाता हूँ शुरू से आखिरी। यानी अपने फार्म पे 2 महीने रहेगा, 2 महीना ही वही स्टार्टर ही खाएगा, सिर्फ वही खाएगा। और क्या रेट पर जा रहा है सर अभी? अभी हम लोग कितना आए थे इस बार वाला बढ़ के 1,500 से 1,550 पर बैग के हिसाब से, पर बैग के हिसाब से। ओके, तो पर डे का कॉस्टिंग क्या पड़ जाता है सर? पर डे की कॉस्टिंग 2 बोरा दाना जा रहा है 3,000 रुपये, 2 बोरा दाना जा रहा है 3,000। अभी 2 बोरा जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में 3 बोरा आप पकड़, टोटल 3,500 पे हमारा कैलकुलेशन है कि 100 बोरा जाएगा दाना। अब बात कर लीजिए मार्केटिंग पे, आप इसका मार्केटिंग कहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, मैंने शुरू में आपको बोला था कि मैं जुड़ा था इनकी वजह से, मेरा काम होता है बच्चा पालना। ओके, बाकी सारे डिमांड मैं इनके सर पे दे देता हूँ, साहब मुझे बच्चा चाहिए, दाना चाहिए, तैयार हो गया, भेज दीजिए। मार्केटिंग भी प्रिंस ये भी कर रहे हैं? मेरा सारा काम प्रिंस भाई। ओके, तो सर बात कीजिए कि आप चूजा सप्लाई में भी काफ़ी सालों से हैं, आप ट्रेडिंग प्लस माल भी लोगों का उठाते हैं। सर ने भी बताया सरासरी आपको दे दिया कि आपसे मिलकर जुड़ करके इनका इतना प्रॉफिट गेन हो पाया है, तो ये बताना चाहें कि आपसे कोई जुड़ करके सर मार्केटिंग अगर करते हैं, चूजा सप्लाई चाहे फार्मिंग जो भी जुड़ करके काम करना चाहे, कितने प्रकार से उनको बेनिफिट मिल सकता है, कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग उनका बन सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहें डिटेल में सर। जैसे हम लोग जब शुरुआत करते हैं किसी फार्मर के साथ, तो पहले तो हम लोग चिक्स प्रोवाइड कराते हैं उनको, अगर वो दाना लेना चाहे तो दाना भी हमारे पास अपना है। दाना भी आप प्रोवाइड करा दीजिएगा? अभी तक मेडिसिन में नहीं आया है, मेडिसिन हम लोग सजेस्ट कर देते हैं कौन सा चाहिए, डॉक्टर का टीम अपने पास है। ओके, अगर बर्ड बीमार पड़ता है तो डॉक्टर हैं जो कि फ़ोन से कंसल्ट करते हैं कि भैया क्या आपको दवा चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद जब माल उनका तैयार हो जाए 500-600 1 किलो 1500 ग्राम तक हर तरह की पार्टी है, लेकिन हम पहले सजेस्ट कर देते हैं कि भैया इस साइज में अगर आप सेल करना चाहें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ज़्यादा बढ़िया, बाकी आपकी मर्जी। कहीं ना कहीं आपका भी मतलब किसी फार्मर या किसी ट्रेडर से? हाँ, जैसे हमारे पास जो ट्रेडर जुड़ रहे हैं, हम अभी मेन मार्केटिंग पे ही ध्यान दिए हुए हैं। ओके, और डेली अभी अच्छा ठीक ठाक सेल भी चल रहा है अपना जी, तो हम जो ट्रेडर जुड़ भी रहे हैं, ट्रेडर के लिए भी हम कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे साथ ट्रेडर जुड़े हुए हैं उनको भी हम प्रॉफिट देते हैं। ओके, जैसे जो हम लोग का थोड़ा बहुत कमीशन होता है, हम तो खुल के बोलते हैं, हमारे फार्मर भी जानता है, हमारे ट्रेडर भी जानता है, कोई छुपा के काम टाइम लग रहा है तो कुछ तो आपका भी बनना चाहिए, तो हर कोई बोल के लेते हैं, उसमें कोई छुपा छुपी नहीं होता है। यही कारण है कि आज हम 2 साल से जुड़े हुए हैं। क्या बात, लोग क्या करते हैं कि छुपा लिए, इधर से भी ले लिए, उधर से ले लिए, 20 रुपये बना लिए, 50 रुपये, हम बोल के लेते हैं, हमको उससे कोई डर नहीं है। दूसरा चीज़ कि जब कोई ट्रेडर भाई हमारा जाता है लोडिंग के लिए, ठीक है, फॉर्मर तो हमारा तैयार किया, जो हमारे खास अपने फॉर्मर होते हैं जो हमसे बच्चा लेते हैं, वो गलतियाँ नहीं करते हैं क्योंकि उनको लंबा काम करना है। ओके, लेकिन कोई नई पार्टी जुड़ गई है कि भैया हमारा बर्ड उठा लीजिए सेल कर दीजिए, जब कभी उनके पास गाड़ी हम भेज देते हैं कि जाओ उनका सेल करके आ जाओ, तो क्या होता है कि भाई झूठ बोल के ही बुला लेते हैं वो लोग कि भैया माल बहुत बढ़िया है, दूसरे का वीडियो भेज दिए, जब गाड़ी गया तो वहाँ पे छीला हुआ बर्ड मिल गया हमको, यानी पंख नहीं है उसको, पंख नहीं, या तो फिर साइज़ कुछ और बोले और साइज़ कुछ और निकल गया, या फिर बीमार बर्ड निकल गया। ऐसी कंडीशन जब होती है, जो मेरे ट्रेडर जाते हैं, आधा किराया जो उनका लगता है, जैसे गाड़ी लेके गए 5,000 खर्चा लगा, तो 2,500 रुपये हम भी बर्दाश्त करते हैं उसमें। ओके, इसलिए हमारे साथ जो ट्रेडर जुड़े हैं लॉस में भी आधा और प्रॉफिट में भी हम खड़े, दोनों में हम रहते हैं, दोनों में लॉस में छोड़ के नहीं भागते हैं। ओके, तो जो लोग जुड़े हैं वो लोग एकदम
आँख बंद करके काम करते हैं हमारे साथ। अभी बात कीजिए सर का, तो सर का बर्ड का जो मार्केटिंग बताना चाहें आप, इतना प्रॉफिट ये बता रहे हैं कि हो पाएगा, तो इसका मार्केटिंग कितना रुपये तक और कहाँ तक अभी कर रहे हैं इस बर्ड का जो मार्केटिंग? ये हम लोग 600 से 700 ग्राम में इसको सेल आउट करेंगे जी। और मिनिमम मार्जिन आपको जो बताया गया है कि 72 रुपये में 500 ग्राम का हमारा बर्ड तैयार होता है, उसमें बस लेबर कॉस्ट नहीं जोड़ा हुआ है जी। क्योंकि लेबर कॉस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, सब फॉर्मर लेबर नहीं रखते हैं, जो रखते हैं उनको अपने प्रॉफिट में से देना होगा। बर्ड भी पालना चाहते हैं वो तो पर्सनली पालते हैं, जो बड़े फॉर्मर होते हैं वही रखते हैं और वो लोग उतना मैनेज कर सकते हैं, इसलिए उसमें उसको नहीं जोड़ा गया लेबर कॉस्ट। तो इसका क्या है थी, कहाँ पे मार्केटिंग सर है आप? मार्केट के लिए जैसे हम जो सेल करते हैं ओके, एक तो अपना लोकल मार्केट, जैसे अभी के डेट में 6-7 स्टेट में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। एक तो कटिंग वाले मार्केट हो ही गई, वहाँ पे जो हमारे पुराने सप्लायर हैं वो तो ले आ रहे हैं जी। अभी छोटे माल के जो हैं वो फेरी वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओके, बहुत सारी लोकेशन पे, जितने भी लोकेशन पे, गाजीपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, अपना कुशीनगर, सब जगह पे होता है, लोग आते हैं माल लेके यहाँ से चले जाते हैं ओके। आपका पूरा कम्युनिटी बना हुआ है? हाँ, सब लोग सेलिंग से लेकर के ट्रेडिंग तक और सप्लाई का भी पूरा बिल्कुल, मतलब कोई जुड़ करके आपसे करना चाहते हैं तो उनका लॉस नहीं होगा? कोई भाई नया काम कर रहे हो जी, भले वो फार्मर हो चाहे ट्रेडर हो, अगर ईमानदारी से जुड़ के करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़े, हमारे पास बर्ड की कोई कमी नहीं है ओके, और सप्लायर की भी कोई कमी नहीं है, सप्लायर दोनों चीज़ें हमारे जिस साइज में वो तैयार करके देना चाहें उस साइज में आप लेने के लिए तैयार हो? नहीं, वो मार्केट के ट्रेंड की हम अपना सजेशन दे देंगे कि भैया ये साइज में हमारे पास उठाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद उनकी मर्जी, उनकी मर्जी, अगर वो रिस्क खेलना चाहे तो खेल सकते हैं, लेकिन सपोर्ट उनको प्रॉफिट दे करके ही उठाया जाएगा। बिना प्रॉफिट में कोई काम नहीं, उनसे बात कर लिया जाएगा कि इस साइज में अभी मार्केट है, इस साइज में हमें चाहिए, आप इस साइज में तैयार करके हमें दे दो, क्योंकि बाजार चेंज होते रहता है ना। अभी जो फेरी का काम अभी जो शुरू हुआ ये वाला ओके, ये 2 महीने का कहानी है, 2 महीने बहुत तेजी से आ गया, इससे पहले तो कटिंग वाला बाजार चल रहा था, तो जब जैसा बाजार रहे उस हिसाब से कन्वर्ट होना अपना काम, नहीं कन्वर्ट होइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, एक बात और बताना चाहें, कहाँ तक चूजा सप्लाई हो सकता है सर, और दाने की बात कीजिए तो? देखिए हम तो 10-20 बच्चा भी दे देते हैं अब आज के डेट में, क्योंकि बनारस में अपने पास फॉर्म है, सारी चीज़ें अवेलेबल है जी। जो आदमी 500 से कम बच्चा लेना चाहे वो आके ले जाते हैं, उससे ऊपर का जो ऑर्डर होता है कोशिश करते हैं कि पहुँचा के हम दे दें, पहुँचा करके दे दें जी। लगभग एरिया की अगर बात करें, जब एरिया की अगर बात करेंगे तो अभी लखनऊ तक हम जा रहे हैं, अभी यूपी में ओके, बिहार पूरा, झारखंड पूरा ओके, छत्तीसगढ़ में जो है हम कोरबा, कटघोरा, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, यहाँ तक का सप्लाई हमारा 3-4 राज्य अभी कवर कर रहे हैं। उड़ीसा में भी कुछ बॉर्डर वाले एरिया है जहाँ पे हम देते हैं ओके। ट्रांसपोर्टिंग का भी आपके पास सुविधा? ट्रांसपोर्टिंग गाड़ियाँ हैं, पहुँचा करके भी दिया जाएगा उनको, हर स्टेट में हमारा वीक में एक गाड़ी जाता ही जाता है। बहुत बढ़िया सर, काफ़ी सारे व्यूवर्स का हमारा कॉमेंट रहेगा या जानना भी उचित होंगे, वो जानना चाहेंगे कि आप एक हाई सैलरी लॉयर, जो आप कॉर्पोरेट सेंटर का जो लॉयर थे, उसको छोड़ करके इस फार्मिंग लाइन में कैसे आए, आने का रीज़न क्या रहा सर? ठीक है, मैं ये सोच के नहीं आया कि मैं एक फार्मिंग करने जा रहा हूँ, एक बिज़नेस है ये जी, और बिज़नेस कोई भी हो सब अच्छा होता है। मैं वहाँ पे जितना कमाता था दूसरों के लिए भी कमाता था, दूसरों को भी देता था, मैं सैलरी काम करता था वहाँ पे, लेकिन यहाँ जितनी मेहनत करता हूँ सब खुद के लिए करता हूँ। और पहले मैं आया था, एक फार्म से शुरू किया था, आज 2 किया है, एक और बढ़ा के 3 करेंगे, 4 करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अगर जितनी सैलरी में वहाँ कमाता आने वाले समय में, उससे कम समय में और अच्छा प्रॉफिट इसमें कमाना यहाँ पे, हाँ जी, वहाँ पे जितना कमाते हैं उससे बढ़िया आप प्रॉफिट अच्छा कमा रहा हूँ, परिवार को समय दे पा रहा हूँ ओके, दोनों चीज़ कर पा रहा हूँ। वहाँ तो 8-8 जॉब करता था ओके, और यहाँ 8-8 की तो जॉब है नहीं। कुछ बताना चाहें सर, क्या सैलरी वहाँ पे आपकी? अप्रॉक्सीमेटली महीने का 2-2.5 लाख रुपये वहाँ कमाते पर मंथ का, पर मंथ क्या उसको आपने छोड़ करके यहाँ पे? हाँ जी, उसको छोड़ के। रीजन बिजनेस ही था या रीजन? सिर्फ बिजनेस था, मैं शुरू से बिजनेस करना चाहता था, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस था जो शॉर्ट टर्म में मुझे खड़ा कर दिया मुझे इसने खड़ा कर दिया यहाँ पे। अब मैं और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। इसके अलावा भी आपका कोई मतलब ऐसे बिजनेस? हाँ जी, और भी बिजनेस है, अब शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे, हमारी वायर नेल की फैक्ट्री शुरू हो गई है ओके, इसके साथ और भी प्रोजेक्ट हैं जो धीरे धीरे शुरू होंगे, गोट फार्मिंग बड़े पैमाने बिजनेस का एक ये भी पार्ट है जिसको आप अभी कर रहे हैं क्या? बड़े पैमाने में हम गोट फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग जल्दी करेंगे और आपको बुलाएंगे ओके। बहुत बढ़िया सर, बहुत। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको एक बेटर जानकारी मिला हो, जो ये लॉयर, हाई क्लास लॉयर, 2-2.5 लाख सैलरी कमाने वाले लॉयर, कॉर्पोरेट सेक्टर का लॉयर, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ, लेकिन इनसे बातें करने के बाद इन्होंने बताया कि फार्मिंग लाइन के लिए प्लस अपना बिजनेस के लिए इन्होंने जॉब को छोड़ा, और एज अब इनका कई सारे बिजनेस है, इसमें एक इनका देसी बर्ड पालन और प्लस साथ में गोट फार्म भी है इनका।
तो इसी के पूरे विषय में बात करना था कि कैसे आप इनसे जुड़ करके, कई लोग कहते हैं कि सर मार्केटिंग पे वीडियो बनाइए, मेन चीज़ हमारा यहाँ पे आने का, मेरे घर से लगभग मैं बनारस आया हूँ 300 किलोमीटर दूर, इसी कारण से कि कोई छोटे छोटे चाहे बड़े फार्मर है किनसे चूजा लेकर के और मार्केटिंग कहाँ कर पाए, मेन मतलब मकसद मेरा यही था कि मार्केटिंग आप कहाँ कर पाए, चाहे किस साइज़ में कर पाए और उससे कितना प्रॉफिट आपको बनेगा, यही सब आपको बताना था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके सीरीज में और भी आपको वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको नए फार्मर का नया एक्सपीरियंस बताया जाएगा कि कितना साइज़ में करके कितना प्रॉफिट और फार्मर बना रहे हैं, इसके पूरे विषय में बात करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब बोलना चाहूँगा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ना भूलना। धन्यवाद।